हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ लिया था? हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, वो मैंने बता दिया था, उसका मैंने चार्ट बना दिया था, कौन कौन आपके शो करते हैं, कौन कौन नहीं शो करते। या तो आप वैसे ध्यान रखो, या तो आज मैं आप लोगों को पूरा कन्फर्म पूरा मैं तरीके के से आपको बताऊँगा कैसे कैसे आप लोग निकाल सकते हो, या तो आप वैसे ध्यान रखो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और मैंने कल आपको होमवर्क भी दिया था, तो कुछ बच्चों ने अभी कुछ बच्चे अभी भी आंसर नहीं भेज रहे हैं, तो वो गलत है बेटा। आप लोगों को आंसर भेजना चाहिए, कम से कम मैं मेहनत कर रहा हूँ तो दोनों तरफ से अगर मेहनत होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें कि किस तरीके से हमको डील करनी होती है। ठीक है, तो एक बार आप लोग करिए। चलो एक क्वेश्चन करते बच्चों हम लोग। यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताया था, एक क्वेश्चन करवाया था, यहाँ पर क्वेश्चन भी दिया था, आप लोगों ने नहीं भेजा क्वेश्चन। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इन फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर निकालना है। ठीक है, आपको टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर निकालना है। स्टीरियो आइसोमर का मतलब आपको टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर भी निकालना है और टोटल नंबर ऑफ आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी निकालना है। काफ़ी ईजी कंसेप्ट है, एक बार में हम करेंगे। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है बच्चों, जो मैंने दिया था Ma4B2। अब इसको आपको बताना है। यहाँ पर ए चार लिगेंट मतलब सेम है और दो लिगेंट आपके भी सेम है, तो इसमें कैसे बनेगा? इसमें देख लो, एक ऑक्टाहेड्रल स्टेप से बना लेते हैं हम पहले इस तरीके से बना लेते हैं। ये बी, ये ए, ये ए, ये बी और ये आपका ए। ठीक है, ये मैंने बना लिया। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें हम सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले GI निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो इस लाइन पे एक बार मैं क्या बना लूँगा, BB। इस लाइन पर क्या हो जाएगा, AA। इस लाइन पर AA हो गया। अगला क्या कॉम्बिनेशन होगा, अगला कॉम्बिनेशन होगा बच्चों BA। एक बार BA आ जाए, एक और बार आपका क्या आ जाए, BA आ जाए, और एक बार आपका AA आ जाए। और इसके अलावा तीसरा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करो। थर्ड कॉम्बिनेशन आप लोग अगर बनाओगे तो तीसरा कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, तीसरा कॉम्बिनेशन इसमें नहीं आएगा। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आपके कितने आए बच्चों, जल्दी बताओ। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आपके आए यहाँ पर दो, तो टोटल नंबर ऑफ GI कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ GI कितने हो गए बच्चों, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ GI भी हो गए आपके दो। अब ऑप्टिकल एक्टिव है कि ऑप्टिकल इनएक्टिव है, तो मैंने आपको बताता हूँ, केवल और केवल यूनिडेंटेड में अगर कहीं आपके AA सेम आ जाए, ठीक है, AA सेम आ जाए, या तो एक ब्रैकेट सेम आ जाए, ये आपका ब्रैकेट बना देता हूँ इसको, या तो एक ब्रैकेट सेम आ जाए, ठीक है, एक ब्रैकेट में दोनों लिगेंड सेम आ जाए, या तो दो ब्रैकेट आपके सिमिलर आ जाए, मतलब ऐसा आ जाए, दो ब्रैकेट या तो सिमिलर आ जाए, या तो ऐसा आ जाए, या तो ऐसा आ जाए, मैंने लिखवाया था, तो ये क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या होते हैं ये, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर AA सेम आ गया, तो ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ये वाला भी क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब मुझे बताओ कि इन दोनों के ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर विल बी जीरो। ऑप्टिकल आइसोमर एक भी नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमर आपका एक भी नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर हो गए बच्चों आपके दो। क्लियर हुआ, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए बच्चों, दो। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं इसका। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो कॉम्बिनेशन बना लो। देखो BB, अब देखो ये आपके चार एक प्लेन पर है, ये ऐसे हैं, दो आपका ऐसा है, एक आपका पीछे जा रहा है, मैं बताता हूँ, एक इधर जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, और आपका एक यहाँ पर इधर जा रहा है। देखो समझना बात को, यहाँ पर यह आपका इस तरीके से, यह आपका इस तरीके से, देखो
एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। देखो ये आपका इस तरीके से, ठीक है, ये आपका इस तरीके से मैंने बना रखा है। देखो देखो ध्यान से, दो पीछे है दो आगे है, समझ में आ रहा है? इस तरीके से मैंने ये जो पॉइंट है ये चार, ये ए ए ए ए, ठीक है, ये मैंने इस तरीके से बना रखा है, ठीक है, और ऊपर एक है नीचे एक है। अगर मैं इस प्लेन को काट दूं ऐसे तो ऊपर नीचे वाले सिमिलर आ जाएंगे, इसका मतलब उसके अंदर क्या होगा? पीओएस होगा। बात क्लियर हुई? पीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना उसके अंदर, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव अपने आप तुम्हारा हो जाएगा। अब फिर इसके बाद अगर मैंने बीए बनाना चाहूं तो यहां पर लिख देता हूं बीए, यहां पर लिख देता हूं ए, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं बीए। देखो फिर भी आपका आ जाएगा, फिर भी आपका आ जाएगा। देखो देखो, अब आप यहां पर अलग अलग है, मान लिया कि इस प्लेन पर आपका अलग अलग है, इस प्लेन पर आपका अलग अलग है, मान लिया इस प्लेन पर आपका अलग अलग है, लेकिन ऊपर नीचे क्या है बेटा? सिमिलर है। ऊपर नीचे आपका क्या है बच्चों? यहाँ पर सिमिलर है, ऊपर भी है नीचे भी है, तो इस प्लेन को काटूंगा तो ऑप्टिकल इनएक्टिव, कायरल सेंटर प्रेजेंस है, कायरल सेंटर प्रेजेंस मतलब कायरल सेंटर एब्सेंस मतलब ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव मतलब ऑप्टिकल आइसोमर नहीं दिखाएगा। क्लियर बात? तो यहां पर आपका ऑप्टिकल आइसोमर नहीं दिखाएगा, तो क्यों नहीं दिखाएगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। क्लियर कंसेप्ट है, सिंपल है, ठीक है, इसको कर लेना, ये मैंने बताया। अब दूसरा, आप लोग देखो, आप लोग वीडियो को पॉज करो फिर से बनाओ, ठीक है। ये में हम ऑक्टाहेड्रल के लिए बात कर रहे हैं क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं और फिर हम लोग छोड़ देते हैं। अभी मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, चिंता नहीं, आइसोमर से रिलेटेड एडवांस लेवल के क्वेश्चन सारे। एम ए थ्री बी थ्री, अब एम ए थ्री बी थ्री का मतलब क्या है? यहां पर छह लिगेंड है, मतलब ये ऑक्टाहेड्रल होगा, ए ए ए बी बी बी, ये मैंने बना दिया, चलो ठीक है, ये मैंने बना दिया। चलो यहां पर आपका सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से होंगे। देखो ए बी ए बी ए बी, ये आपका हो गया ए बी ए बी ए बी, ये आपका हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ बात? क्लियर हो गया बात यहां तक? ये आपका ए बी ए बी ए बी ए बी आपका हो गया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ यहाँ पर कि यहाँ पर आप लोगों का देखो ये ए बी ए बी ए बी अभी ए बी आपका हो गया है। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों? यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ए ए ए बी बी बी, ये भी आपका आ गया, और तीसरा कॉम्बिनेशन क्या आएगा? थोड़ा सोचो, थोड़ा स्ट्रेस दो माइंड पर, आपके माइंड पर ऐसा स्ट्रेस नहीं आना चाहिए कि देखो आपने बोल दिया बी ए बी ए बी ए, सर ये बी ए बी ए कॉम्बिनेशन तो रिपीट हो गया ना, ए बी बोलो या बी ए बोलो, एक लाइन से ए बी लो या फिर बी ए लो, बात तो एक ही है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आपके कितने आए बच्चों? यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आपके कितने आए? टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आपके कितने आए बच्चों? यहाँ पर देख लो, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आप लोगों के कितने आए वो आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आप लोगों के देख सकते हो, आप लोग यहाँ पर कितने कॉम्बिनेशन आए? दो। तो टोटल नंबर ऑफ जी आई कॉम्बिनेशन आपका क्या बताएगा? टोटल नंबर ऑफ जी आई, बात क्लियर है? अब मैंने अभी अभी एक लाइन लिखाया फॉर यूनिडेंटेड, फॉर यूनिडेंटेड, यूनिडेंटेड के लिए अगर कहीं ए ए आ रहा है, देखो बी बी आ रहा है, ए ए बी आ रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या हो जाएगा ये आपका? ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब, ठीक है, ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। और अगर ए बी आ रहा है मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों आपके? ऑप्टिकली इनएक्टिव। या तो ऐसे निकाल लो, या तो ऐसे निकाल लो, नहीं तो ए बी बना लेते हैं। देखो मैं बना देता हूँ, ये बी, इसको मान लिया ए, ठीक है, ये आपका इस तरीके से, ये आपका इस तरीके से, ठीक है। इसका दो दूसरा ये वाला कौन सा होगा? फेस आइसोमर। और इसका दूसरा कौन सा होगा? मेरिडोनियल आइसोमर, ठीक है। अब इसको हम अगर कट करना चाहेंगे, कट करना चाहेंगे तो इसको अगर मैं इस लाइन से कट कर दूं, देखो इस लाइन से कट कर दूं, तो ऐसे अगर मैं कट कर दूं तो ये इसका डायरेक्टली मिरर इमेज बन गया। अब ये डायरेक्टली जब आपका इसका मिरर इमेज बन गया तो इसका मतलब ये कौन सा होगा बच्चों? क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और इसका ये वाला पार्ट भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, आप लोग उसको निकालने की कोशिश करो। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव दोनों बना सकते हो, एक बार आपको ए ए को एक साथ रखना है, ए ए को एक साथ रखना है, फिर ए बी को,
फिर ए बी को, तो ये वाले प्लेन को काटोगे तो ए ए वाला भी सिमेट्रिकल आ जाएगा, मतलब पीओएस दोनों के अंदर क्या प्रेजेंस होगा, पीओएस। बना के देखो आप लोग, बना के कोशिश करो, यहाँ पर भी पीओएस, यहाँ पर भी पीओएस, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऐसे भी मैंने बता दिया, जब भी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएंगे जीरो, तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे बच्चों यहां पर, टू। बात समझ में आई, बात समझ में आई, यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए बच्चों, यहां पर दो हो गए। क्लियर हुआ बात, बात क्लियर हुआ, इजी, बिल्कुल इजी एकदम, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे, अगला क्या करेंगे बच्चों यहां पर, अगला एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, निकालना सीखो, निकालना सीखो, मैं इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप लोगों को निकालना आ जाएगा, ठीक है, आप लोगों को निकालना आ जाएगा, मैं इतना प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है, आप लोग बार 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 कोशिश करो, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन, एम ए फोर बी सी, अब इसमें निकालो, इसमें निकालने की कोशिश करते हैं। देखो आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार निकालने की कोशिश करो, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार निकालने की कोशिश करो, देखते ये भी आपका ऑक्टाहेड्रल होगा, देखो मैंने बनाया ऑक्टाहेड्रल, बनाया मैंने ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, मैंने क्या बना दिया ऑक्टाहेड्रल, चलो ऑक्टाहेड्रल बना दिया। अब इसके कॉम्बिनेशन निकालो, देखो ए ए, ठीक है, ए ए बी सी, ये पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, दूसरा कॉम्बिनेशन ऐसा होगा, ए बी आ जाए, ए सी आ जाए, ए ए आ जाए, ठीक है। और इसका तीसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा बच्चों, इसका तीसरा कॉम्बिनेशन कुछ होगा, एक बार ट्राई करो, इसका तीसरा कॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने आ गए बच्चों, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आ गए दो, तो टोटल नंबर ऑफ जीआई कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ जीआई कितने आ जाएंगे दो। अब देखो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, देखो मैंने पिछली वाली लाइन लिखाई थी, यूनिडेंटेड लिगेंड, जब सारे के सारे मतलब सारे के सारे अगर यूनिडेंटेड लिगेंड होंगे तो क्या होगा, सारे के सारे अगर यूनिडेंटेड लिगेंड होंगे तो किसी भी एक कॉम्बिनेशन में अगर ए है और या फिर ए बी दो बार आ रहा है तो इसका मतलब वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। मतलब किसी भी अगर सारे के सारे मतलब ए और बी आपका क्या होना चाहिए, ए और बी आपका यूनिडेंटेड, ए और बी आपकी क्या होने चाहिए, यूनिडेंटेड लिगेंड। अगर यूनिडेंटेड है और अगर किसी कॉम्बिनेशन में ए ए एक बार आ रहा है या फिर ए बी दो बार आ रहा है, मतलब ए बी आपका कितनी बार, दो बार आ रहा है, तो ये क्या हो जाता है बच्चों आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। आप चेक करो कॉम्बिनेशन बच्चों, यहां पर ए ए आ रहा है, वेरी गुड, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव चमक गया, ये आपका क्या हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, अब आपको चमक गया होगा, ये हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। और यहां ए बी, यहां आपका देखो यहां आपका कौन सा आ रहा है, यहां पर ए ए, यहां पर भी ए ए आ रहा है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अब ये जब आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इसके हो गए जीरो, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर विल बी टू, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसमें निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा है, आई होप सो कि अब आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसका ज्योमेट्री भी बना सकते हो, देखो ये जो दो बने हैं आप इसके दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी बना सकते हो। कैसे, एक बार M B के साथ क्या रखो, एक बार B के साथ C रखो, एक बार A A रख दिया, बहुत बढ़िया, और दूसरी बार क्या करेंगे, M के साथ यहाँ A A के साथ एक बार B रख दिया, A के साथ एक बार C रख दिया और A A रख दिया। देखो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर तो सर POS नहीं है, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ A A लिख दो, यहाँ B C लिख दो, देखो क्या यहाँ पर कॉम्बिनेशन, देखो ए ए ए सी, रुको रुको यहाँ पर कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, क्या था ए ए और यहाँ पर बी सी,
ठीक है, तो यहां पर इसको कर दो यहां पर B और इसको कर दो C, यहां पर कर दो ए ए। अब इस प्लेन को काटो, देखो यहां पर भी POS है, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम POS प्रेजेंट है। इसको कट करेंगे तो यहां पर भी POS है, इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे, कैसे कट करेंगे इसको, एसी एसी है। तो इसको कट करने का तरीका समझ लेते हैं, यहां पर ए सी दो बार हो गया, ये ए है। तो अगर इसको ऐसे कट करेंगे तो यहां पर भी आपका ये वाला चला जाएगा, ये वाला चला जाएगा, ये वाला चला जाएगा, ये वाला प्लेन के साथ ही जाएगा, बचेगा क्या ए ए, ए ए सिमिलर है, तो इसका मतलब इसके अंदर भी पीओएस है। ऐसा भी हम लोग देख सकते हैं, पीओएस होगा तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इस बात को ध्यान से समझो, बहुत अच्छे क्वेश्चन और बहुत ही शानदार लेवल के क्वेश्चन इससे बना सकते हैं बेटा, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा फोकस करो इस पॉइंट पर। आप देख लेते ऑक्टाहेड्रल पर ज्यादा फोकस करो एज कंपेयर टू टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर के बजाय, ऑक्टाहेड्रल पे आप लोगों को ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगला देख लेते बेटा, अगला देख लेते बेटा, एक यहां पर एम, यहां पर देख लेते हैं, यहां पर कितने होंगे निकाल लेते हैं, एक और एम एम ए टू बी टू, एम ए टू बी टू सी डी, ये है मेरे पास एम ए टू बी टू सी डी है। इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर निकालने, सबसे पहले आप लोग क्या निकालोगे ज्योमेट्री, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन बनाओ, सबसे पहले समझ लो ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है, ऐसा होगा ये, हम ऐसा जनरली बना लेते हैं पहले, फिर हम देख लेते हैं। हाँ, आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं, देखो सबसे पहला कॉम्बिनेशन ए ए को एक साथ रखना है, बी बी को एक साथ रखना है, वो ए ए को एक लाइन पर रखना है, बी बी को एक लाइन पर रखना है, सी डी को एक लाइन पर रखना है, ठीक है। अगला कॉम्बिनेशन क्या होगा, अब लाइन में चेंज करना है। अब देखो एक बार क्या करेंगे बच्चों हम लोग, यहाँ पर समझने का प्रयास करना बेटा, यहाँ पर एक बार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली हम लोग यहाँ पर अब अलग कॉम्बिनेशन बनाएंगे। कौन सा कॉम्बिनेशन बनाएंगे बच्चों, अब हम यहाँ पर अलग कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि कौन सा यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनेगा, देख लेते हैं अब अगला कॉम्बिनेशन कैसा होगा। तो यहाँ पर एक बार क्या हो जाएगा, एक बार हो जाएगा आपका AC, एक बार मैं कर लेता हूँ यहाँ पर AC AD, एक बार मैं नया नया कॉम्बिनेशन बनाता हूँ AC AD AC AD और यहाँ पर बच जाएगा BB, ये कॉम्बिनेशन बन गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला कॉम्बिनेशन बनाते हैं, अगला कॉम्बिनेशन बनाते हैं, देखो एक कॉम्बिनेशन ए ए सी ए सी का कर दिया, अब एक कॉम्बिनेशन बी सी बी डी और ए ए कर दिया, एक कॉम्बिनेशन हो गया ये, ठीक है। अब एक बार ए सी बी डी कर देते हैं, देखो एक बार ए सी बी डी, एक बार ए सी बी डी ए बी कर दिया, ठीक है ये मैंने कर दिया, ठीक है ये मैंने कर दिया। अब इसमें देख लेते हैं, अब इसमें एक और कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते, ट्राई करते एक और कॉम्बिनेशन बनाने की, एक और बनने के चांसेस लग रहे हैं मुझे, ठीक है। तो देख लेते हैं एक और कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, यहां पर ये ऑप्टिकल इनएक्टिव, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव, तीन ये ऑप्टिकल एक्टिव, चार पांच, तीन तीन चार पांच सात, इसमें एक और बनेगा। अब ए वो ए को एक साथ रख दिया, ए सी को कर दिया और मैंने बी सी को कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी को एक साथ, फिर मैंने सी डी को, ये एक और कॉम्बिनेशन बन गया। देखो रिपीट तो नहीं हो रहा, रिपीट तो नहीं हो रहा, इसको फोकस करो, इस बात पर फोकस करो, रिपीट तो नहीं हो रहा, रिपीट तो नहीं हो रहा ना, इस चीज पे फोकस करो। एक और कॉम्बिनेशन बनाने का कोशिश करते हैं हम, देखो एक कॉम्बिनेशन क्या बना सकते हैं हम लोग यहां पर, ए सी ए सी बी सी, ए सी बी डी, ए सी बी डी बन गया, ए सी बी डी बन गया। चलो एक और कॉम्बिनेशन बनाने का कोशिश करते हैं, देखो एक और कॉम्बिनेशन सोचो आप लोग बच्चों, यहाँ पर A2 B2 CD, तो एक कॉम्बिनेशन ये बन गया, इसका एक बन गया, इसका एक बन गया। अब AC AC AD और आपका BB, ठीक है एक कॉम्बिनेशन तो बन गए सारे। एक और देख लेते हैं, एक कॉम्बिनेशन कौन कौन से बन जाएंगे, एक मैंने बनाया A A B B C D, ये वाला बन गया, A ये वाला बन गया कॉम्बिनेशन, एक ये वाला बन गया और एक
ये वाला एक ये वाला बन गया, चलो ठीक है। और एक कौन सा कॉम्बिनेशन बना, ए सी ए डी और ये वाला बन गया, ठीक। और एक कौन सा बन गया है, एक आपका बी सी बन गया, एक आपका बी डी बन गया, और ये वाला भी बन गया, बहुत बढ़िया। एक कौन सा कॉम्बिनेशन है, और भी कॉम्बिनेशन होंगे बच्चों यहाँ पर, देख लेते जान लेते, आ जाएगा। एक और कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पर, होगा आपका सी डी। सी डी एक बार आ चुका है, सी डी दो बार आ चुका है, ठीक है, सी डी वाला हो गया है। डी ए, हाँ इसका उल्टा, इसका उल्टा देख लेते। यहाँ पर बी सी बी डी ए सी ए डी आ गया है। अब एक बार क्या कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे डी ए, मतलब यहाँ पर कर देंगे ए, यहाँ पर कर देंगे ए डी बी सी और ए बी, ये एक कॉम्बिनेशन आ गया है, ठीक है, ये आपके कॉम्बिनेशन आ गए, ये टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आ गए। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मैंने बना लिया। अब टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बच्चों यहाँ पर, छः, तो जी आई कितने होंगे, छः। अब देख लेते हैं ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकल इनएक्टिव, अगर ए ए टाइप का होगा तो ऑप्टिकली वो इनएक्टिव, तो ये वाला आपका हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होगा बच्चों, मैंने अभी अभी लाइन लिखवाई है, अभी अभी लाइन लिखवाई है, ये वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये वाला कैसे होगा बच्चों, समझ लेते हैं, बी बी सेम आ गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। अब ये वाला देख लेते हैं, यहां पर ए ए सेम आ गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब यहां पर कौन सेम आ गया, कोई भी सेम नहीं है, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, ना तो यहां पर ए ए आ रहा है, देखो बात को समझो, ना तो यहां पर ए ए टाइप का आ रहा है, ना तो यहां पर ए बी दो बार रिपीट हो रहा है, मतलब ए बी अगला भी कहीं यहां आपको ए बी मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा ना, दोबारा रिपीट नहीं हो रहा। ए वाला देख लेते हैं, यहां पर ए बी आ रहा है, सिमिलर आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। अब ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर ए बी कोई भी सिमिलर नहीं है, तो इसको बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। अब देखो टोटल नंबर ऑफ कितने होंगे, अब देखो ऑप्टिकली एक्टिव वाले, ऑप्टिकली एक्टिव के कितने बनेंगे बच्चों, दो बनेंगे, एक ये खुद और एक इसका ऑप्टिकल आइसोमर, और इसके भी दो बनेंगे, एक ये खुद एक इसका ऑप्टिकल आइसोमर। तो ऑप्टिकल टोटल नंबर ऑफ जीआई कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ जीआई कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ जीआई हो गए छह, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर हो गए चार। देखो एक दो तीन, तीन ऑप्टिकल इनएक्टिव, तीन चार पांच, क्योंकि इसके दो बनेंगे, चार पांच छह और इसके दो बनेंगे आठ। तो टोटल नंबर ऑफ आपके, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर हो गए इसके बच्चों आठ। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने निकाला, तरीका समझो, तरीके को बार 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 प्रैक्टिस में लाओ, एक बार करोगे, दो बार करोगे, तीन बार करोगे, चार बार करोगे, पांचवी बार आपको 100% किसी का भी निकालना सीख जाओगे आप लोग, ठीक है। अगला देख लेते, अगला एक और मैं क्वेश्चन करा देता हूं यहां पर, अगला एक और क्वेश्चन करा देता हूं यहां पर, एम ए टू, यहां पर अगला यहां पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों हम यहां पर, एम ए टू बी सी डी ई, एम क्वेश्चन एम ए टू बी सी डी ई, ये वाला आपको बताना है, चलो ठीक है, काफी इजी है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं ए, घबराना नहीं है, बस घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, ए ए बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे लेकिन घबराना नहीं है। देखो बनाते हैं, बनाते हैं कॉम्बिनेशन बनाते हैं, देखो एक बनेगा ए ए, एक बनेगा बी सी, एक बनेगा डी ई, ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन बन गया मेरा बहुत आसानी से। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, एक बनेगा आपका क्या, एक बनेगा ए बी, एक बनेगा ए सी, एक बनेगा डी ई, एक और कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, एक बनेगा आपका देखो, एक बनेगा एक बनेगा ए सी, एक बनेगा ए डी, एक बनेगा ए सी, एक बनेगा ए डी और एक बनेगा बी ई, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। रिपीट नहीं होने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए, कॉम्बिनेशन रिपीट हो गए
तो वो आइडेंटिकल हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिपीट हो गए तो वो आइडेंटिकल हो जाएगा। तो आइडेंटिकल पता लगाने का सिंपल तरीका, कॉम्बिनेशन रिपीट हो गया तो आइडेंटिकल है, अगर कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं हुआ तो वो आइडेंटिकल नहीं है। समझ में आ रहा है? फोकस फोकस माइंड पे, माइंड को, ब्रेन को, ब्रेन को सारा काम करने दो, आप मत करो, ब्रेन को सारा काम करने दो, ठीक है। अब देखो इधर, यहां पर क्या हो जाएगा, ए डी ए ई बी सी बचेगा, ठीक है। मैंने बी सी का ले लिया है, सी डी का ले लिया है, डी ई का ले लिया। अब हम बी डी का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं ए के साथ, ए ए बी ए डी सी ई बचेगा। अगला कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका ले लिया, अब इसका बी और ई का ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा ए ए बी ए ई सी डी, इसका भी कॉम्बिनेशन ले लिया। अब एक बार सी डी सी डी सी डी का कॉम्बिनेशन ले लिया क्या, हाँ सी डी का कॉम्बिनेशन ले लिए, ले चुके। अब ले लेते सी ई का कॉम्बिनेशन, अब किसका ले लेते, सी ई का कॉम्बिनेशन ले लो। ए यहाँ पर हो जाएगा ए सी ए ए ई बी डी, ये कॉम्बिनेशन हो गया। अब मैंने यहाँ पर डी ई का कॉम्बिनेशन लिया है, हाँ लिया है, इन सब के साथ ए बी ए सी लिया है, ए ए सी ए डी लिया है, और ये भी लिया है, बी डी भी हो गया है, बी सी भी हो गया है, बी ई भी हो चुका है, बी ई हो चुका है, बी ई वाला चेक करो, बी ई वाला नहीं हुआ है, बी ई वाला भी हो चुका है, बी ई वाला भी कॉम्बिनेशन हो चुका है, सी डी हो चुका है, सारा हो चुका है। अब इसमें चेक करेंगे कि कितने कॉम्बिनेशन बने, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात कॉम्बिनेशन तो ये बने आपके, और कुछ कॉम्बिनेशन बनने वाले होंगे वो भी चेक करेंगे ना। अब कुछ कॉम्बिनेशन कैसे, एक बनेगा ए ए वाला, एक बनेगा बी सी बी डी सी ई, एक ये वाला कॉम्बिनेशन भी बन सकता है, एक बनेगा ए ए, एक बनेगा बी ई बी ई, एक बनेगा सी डी, ये कॉम्बिनेशन बन गया। टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ कॉम्बिनेशन बन गए आपके। अब नौ तो कॉम्बिनेशन बने, अब इसमें ऑप्टिकल इनएक्टिव कौन कौन से है, देखो ये वाला ऑप्टिकल इनएक्टिव इस वजह से, ये वाला ऑप्टिकल इनएक्टिव नहीं होगा, ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ये वाला भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव, समझ में आया, ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ये वाला भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव। चेक करते रहो कैसे निकाल रहा हूँ मैं, यहाँ पर रिपीटेड नहीं हो रहा ना, ये वाली लाइन जो मैंने लिखाई थी, ये लाइन को फोकस करो बस, यहां पर भी ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, यहां पर ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव, बाप रे बाप कितने सारे आ गए, यहां पर ये वाला भी क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी वजह से, इसकी वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसकी वजह से ये हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये वाला कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन लिख रहा हूँ वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, ये वाले ऑप्टिकली इनएक्टिव कॉम्बिनेशन। देखो अब आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर तो कैसे होंगे, एक इसके सबसे पहले ज्योमेट्रिकल काउंट करो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने कॉम्बिनेशन बने, नाइन, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नाइन हो गए। ऑप्टिकल आइसोमर कितने हुए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह बने टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। अब टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कैसे काउंट करेंगे देखेंगे, काउंट करते हैं, एक इसका दो इसका, एक दो तीन चार पाँच छः सात, दो है ना, छः सात ऑप्टिकल एक्टिव है, आठ नौ ऑप्टिकल एक्टिव है, दस ग्यारह ऑप्टिकल एक्टिव है, बारह तेरह ट्वेल्व थर्टीन, अब ये क्या हो जाएगा ऑप्टिकल इनएक्टिव है, 14, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है 15, ऑप्टिकल इनएक्टिव को एक काउंट करना है, ऑप्टिकल एक्टिव को दो काउंट करना है, तो कितना हो जाएगा टोटल स्टीरियो आइसोमर इसका 15, समझ में आया। अब कभी कभी आपको अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव शो करेगा, कौन सा ऑप्टिकल इनएक्टिव शो करेगा, किसका ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा किसका नहीं बनेगा, वो सब के सब आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों हम लोग, यहां से आप लोग अब अच्छे से समझ जाओगे कि कैसे निकालते हैं, तरीका समझो बस, तरीका
तरीका। फिर मैं बाइडेंटेड वाला भी बताऊंगा आपको, ये दो एक दो एग्जांपल। बाइडेंटेड वाला करने के बाद फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाइडेंटेड में जनरली आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूँ, चिंता नहीं, बस इसको रिपीट कर लो, बस इसको रिपीट कर लो। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया बच्चों मैंने। अब देखो एम ए बी सी डी ई एफ, इसके कितने बनेंगे निकालो। एम ए बी सी डी ई एफ, अब सबसे पहले कॉम्बिनेशन निकालो। सबसे पहले ए बी ए सी, रुको, ए बी सी डी ई एफ, ये पहले तीन कॉम्बिनेशन बन गए। फिर क्या होगा, ए यहाँ पर ए बी ए सी ए सी ए सी ए सी बी डी ई एफ, ए सी बी डी ई एफ, ठीक है। इसके बाद कौन सा बनेगा, ए डी ए डी बी सी ए डी बी सी ई एफ। इसके बाद कौन सा बनेगा, ए ई ए ई ए ई बी सी ए ई बी सी डी एफ। फिर कौन सा बनेगा, ए एफ। तो क्या बनेगा, ए एफ बी सी डी ई बन गया। एक कौन, ये बन गए आपके कितने, पांच बन गई है आपके। अब इसके बाद बनाते हैं, अब बी सी को घुमाते हैं। ए बी वाला बना चुके हैं, अब बी सी वाला बन चुका है, बी सी देखो यहाँ पर बी सी ए डी ई एफ बन चुका है। अब बी डी वाला बन चुका है, बी डी वाला चेक करो, बी डी वाला बी डी ए सी ई एफ भी बन चुका है। बी ई वाला बन चुका है, नहीं बना है तो बी ई वाला बनाओ। बी ई बी ई वाला बनेगा तो ए सी डी एफ, और एक बनेगा बी एफ वाला, तो बी एफ वाला बन गया, तो बी एफ वाला बन गया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी एफ हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी ए सी डी ई। देखो कोई रिपीट हो रहा है, कोई भी आपका रिपीट नहीं हो रहा होगा। अब ये हो गया हमारा, अब इसके बाद कितने कॉम्बिनेशन बन गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात कॉम्बिनेशन। अब एक और कॉम्बिनेशन बनाते हैं, देखते हैं कॉम्बिनेशन बनाना, सात तो बन गए, देख लेते हैं। अब हम देखते हैं सी के बारे में। सी ए बन चुके, वो ए सी बन चुका है, बी डी बन चुका है, ए सी बन चुका है, ठीक है। चलो एक और कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा बच्चों, यहाँ पर आप देख लेते हैं। चलो ए सी बन चुका है, चलो बी डी बन चुका है, डी ई बन चुका है। अब देखो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन कौन सा बनेगा, ए सी सी डी, सी डी बना हुआ है, सी डी जी चेक करना, तो सी डी नहीं बना, सी डी ए बी ई एफ, ठीक है। अब एक कुछ मत करो, अब इसको उल्टा करते जाओ। ये ए बी कॉम्बिनेशन पकड़ा, अब यहाँ पर देखो सी एफ ई डी, इसको उल्टा कर दिया, देखो कॉम्बिनेशन बदल गया, कॉम्बिनेशन तो बदल गया। अब देखो ई डी वाला कहीं है, चेक करते जाओ, ई डी सी एफ वाला नहीं है। अब ए सी को पकड़ो, ए सी पकड़ा, अब यहाँ पर बी बी एफ बी एफ और ई डी कर दो, अलग हो गया। अब इसमें देखो ए डी को पकड़ा, तरीका बता रहा हूँ, ये बी एफ और यहाँ पर क्या कर दो, ई सी कर दो। अब इसके बाद ए ई को पकड़ो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी एफ यहाँ पर हो सी डी। चलो देखो सी डी वाला कॉम्बिनेशन अपने आप आ गया, उल्टा सुल्टा वाला। अब देखो एक और कॉम्बिनेशन ए ई वाला कर लिया, अब देखो ए एफ वाला, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ई सी डी। अब देखो अगला कॉम्बिनेशन बी ई वाला पकड़ लेते हैं, तो एक बी ई ए एफ सी डी, एक और कॉम्बिनेशन बी एफ कर दिया, रिपीट तो नहीं हो रहा देख लेना, बी ई वाला रिपीट हो गया, बी ई ए एफ सी डी रिपीट हो गया, देखो रिपीट हो गया बी ई वाला आपका, बी ई वाला आपका रिपीट हो गया, ठीक है। आगे वाला भी रिपीट हो जाएगा क्या, हाँ बी एफ ए ई बी एफ ए ई ए ई सी डी ए डी सी डी बी एफ ए डी सी डी बी एफ ए डी सी, ये सारे रिपीट हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर, अरे टोटल कितने बने,
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह बने, अब तीन और बनेंगे, तीन भी देख लेते हैं। अब हमने बी वाले बना लिए थे, अब सी वाले देख लेते हैं। सी एफ कर देंगे, सी एफ कर देंगे, और क्या कर देंगे, सी एफ को ले लिया एक साथ, फिर मैंने कर दिया ई ए और बी डी, सी एफ ई ए और बी डी, ए और बी डी, सी एफ ए और बी डी, सी एफ ए और बी डी, सी एफ ए और बी डी, हाँ सी एफ। अब देखो यहाँ पर सी एफ ए और बी डी, क्या ये सेम है, चेक करो, सी एफ वाला कहाँ है, यहाँ पर चेक करो, चेक करो, चेक करो, सी एफ वाला यहाँ पर है, सी एफ कहीं है, नहीं है, सी एफ ये रहा, सी एफ ए और बी डी। अब बी एफ कहीं आया है, नहीं आया है, तो बी एफ को सेम रखो और यहाँ पर कर दो ए डी और सी ई, क्या ये सेम हुआ, देखो तो क्या ये सेम हुआ, ए डी वाला चेक करो, ए डी बी बी सी ई एफ अलग है। अब ये वाला हो गया, अब यहाँ पर सी एफ वाला हो गया, सी एफ वाला हो गया, चलो ठीक है, ये हो गया आपका। अब एक चेक कर लेते हैं, डी ई वाला, डी ई वाला, अब देखो डी ई वाला कौन सा है, डी ई वाला कौन सा है, चेक करो, डी ई वाला ये है, तो यहाँ पर अगर मैंने सी बी और ए एफ कर दिया, डी ई को क्या कर दिया, डी ई को सेम रखा, सी बी सॉरी हाँ सी बी और ए ई कर दिया। देखो अब इसके बाद आपका रिपीट ही नहीं हो रहा होगा, एक भी अब करोगे तो आपका टोटल कॉम्बिनेशन कितने आ रहे हैं बच्चों, 15। ये टोटल के टोटल आपके कितने कॉम्बिनेशन है, टोटल आपके यहाँ पर 15 कॉम्बिनेशन है, टोटल कॉम्बिनेशन विल बी 15। अब यहाँ पर टोटल 15 कॉम्बिनेशन है और किसी भी स्ट्रक्चर में आपका ना ए आ रहा है ना ए बी आ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। जब आपका रिपीट नहीं हो रहा है तो सारे के सारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर, सारे के सारे क्या हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर। अब यहाँ पर सारे के सारे ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएंगे, और जब सारे के सारे अगर आपके ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ जी आई कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ जी आई हो गए यहाँ पर 15, और सारे के सारे ऑप्टिकल आइसोमर है तो एक दो तीन चार पाँच छः, मतलब ये और इसका मिरर इमेज टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल ओ आई हो जाएंगे बच्चों इसमें 30, और जब टोटल ओ आई हो गए 30 तो स्टीरियो आइसोमर भी कितने हो जाएंगे बच्चों इसके 30, और टोटल ओ आई, और मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं इनेंशियोमर पेयर कितने हो जाएंगे, इनेंशियोमर पेयर कितने हो जाएंगे 15, 15 आपके इनेंशियोमर पेयर होंगे, 15 आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, आपके इनेंशियोमर पेयर। इस चीज को ध्यान रखो कि कैसे निकाल रहा हूं मैं, कैसे निकाल रहा हूं मैं, आप लोग इस चीज को ध्यान रखो, टोटल ओआई इसके हो जाएंगे 30, ये सारे के सारे ऑप्टिकल आइसोमर है और इसका मिरर इमेज वो भी आपका ऑप्टिकल आइसोमर में आएगा, तो टोटल आपके 30 हो जाएंगे और इनेंशियोमर पेयर कितने हो जाएंगे 15। तो इस तरीके से मैंने यहां पर निकाला है आप लोगों के सामने टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, जब आपका कौन सा यूनिडेंटल लिगेंट हो, जब आपका कौन सा लिगेंट हो, यूनिडेंटल लिगेंट हो, लेकिन जब हमारा कौन सा लिगेंट हो, बाइडेंटल लिगेंट हो। अब हम देख लेते हैं बाइडेंटल लिगेंट से रिलेटेड, और ये एग्जांपल अच्छे से ध्यान रखो, ये एग्जांपल अच्छे से ध्यान रखो, ये करने के बाद आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन बड़ी ईजिली जाने वाले हैं, इतना प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका बड़ा ईजिली जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं एक दो बड़े बड़े एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन, एम ए थ्री, ठीक है, ये आपका ऑक्टाहेड्रल है, ये आपका ए क्या है बच्चों, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंट, क्या है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंट, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंट, और सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंट कौन कौन से होते हैं बच्चों, आपके ई एन हो जाएंगे, ई एन हो जाएगा, इस टाइप का लिगेंट आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंट, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंट। अब आप देखो यहाँ पर एम ए ए, तो एक दो तीन चार पाँच छ, ये आपका ए ए हो गया, एक ये आपका ए ए हो गया और एक आपका ए ए ऐसा हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री कट करने के लिए हमको दोनों कट करने पड़ेंगे, ये दोनों बॉन्ड कट करने पड़ेंगे, मैंने आपको बताया था टेट्राहेड्रल में, ये वाला अलग, ये वाला सेम प्लेन पर है, ये वाला सेम प्लेन पर है, अगर मैं कट भी करूँगा तो ये थोड़ी ना कट होने वाला है, ये तो आपका कट नहीं होने वाला, ये तो जुड़ा हुआ रहेगा,
तो यहाँ पर ये वाला कट नहीं होना चाहिए, ये वाला आपका कट नहीं होना चाहिए, तो इसका एक ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा, कौन सा बनेगा ये वाला, ध्यान रखो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इसका हो जाएगा ए ए, इसका हो जाएगा ए ए, इसका हो जाएगा ए ए, ठीक है। तो यहाँ पर एक आइसोमर बनेगा उसका टोटल, यहाँ पर टोटल जी जी आई आपका नहीं बनेगा, जी आई इसका हो जाएगा जीरो, इसका जी आई आपका कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका जी आई हो जाएगा जीरो, ओ आई हो जाएगा बच्चों यहाँ पर दो, और टोटल स्टीरियो आइसोमर हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर दो। ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा बट इट डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में कॉम्बिनेशन अलग होने चाहिए, कॉम्बिनेशन अलग होने चाहिए, लेकिन ये आपके कट ना हो पाने की वजह से ये आपका OI शो करेगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन तो देख लेते बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन, एम ए टू बी टू, इसका कैसे निकालेंगे समझते हैं। ए आपके सिमेट्रिकल लिगेंड है, देख लेते हैं। सबसे पहले एम ए ए इस तरीके से जुड़ा रहेगा, ये मान लिया मैंने एम, ये एम से ए ए, ये आपका बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, ये आपका बी और ये आपका बी। अब एक बार क्या होगा, ए ए आपका एक साथ हो जाएगा, एक बार ए ए आपका एक साथ हो जाएगा, एक बार आपका क्या हो जाएगा बी बी, और दूसरा सेट इसका कौन सा बनेगा सोचो, दूसरे सेट में आपका आ जाएगा, अगर ये आपका कहाँ चला जाए, अगर ये आपका ऊपर चला जाए इस तरफ, अगर ये आपका ऊपर चला जाए तो ए के पास बी आ जाएगा, और एक ए के पास, एक ए के पास बी आ जाएगा, एक ए के पास बी आ जाएगा, एक ए के पास, एक ए के पास ए रहेगा, इसके अलावा कोई और नहीं बन रहा है, इसके अलावा कोई और नहीं बन रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हो गए बच्चों यहां पर, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो गए बच्चों यहां पर आपके दो, तो टोटल नंबर ऑफ जी आई कितने हो गए बच्चों यहाँ पर दो। अब देखो ये आपका किस तरीके से बाइडेंटेड लिगेंड, इसी प्लेन पर है, बाइडेंटेड इसी प्लेन पर है, ऐसे है, अब बाइडेंटेड के प्लेन को ही मैं काट दूंगा तो आपके बी 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 क्या हो गए सिमेट्रिकल। हमको यूनिडेंटेड वाला देखना होता है केवल और केवल, बाइडेंटेड में भी हम कौन सा देखेंगे यूनिडेंटेड वाला, हमेशा यूनिडेंटेड वाला ही देखो। अब यूनिडेंटेड वाले दो सेम आ गए, बाइडेंटेड में ध्यान रखना ए भी नहीं, ये ए आपका बाई, ये आपका बाइडेंटेड वाला, ये आपका बाइडेंटेड वाला है, इसको मत देखना, ये आपका बाइडेंटेड वाला है, ये आपका बाइडेंटेड वाला है, इसको मत देखना है। जब दोनों यूनिडेंटेड हो, जब दोनों यूनिडेंटेड हो तब वही चलेगा, तो बी भी आपका क्या हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्या हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ये वाला आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव। जहां पर ए बी मत देखना, ए बी ये वाला, ए बी ये वाला नहीं, ये तो ए बड़ा है कैपिटल है, तो क्या बता रहा है बाइडेंटेड को, बाइडेंटेड को कैपिटल ए आपको बता रहा है, बाइडेंटेड ए आपका बाइडेंटेड को बता रहा है, तो ये बाइडेंटेड वाले से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको काउंट नहीं करेंगे हम, केवल और केवल यूनिडेंटेड, यूनिडेंटेड ए ओ, यूनिडेंटेड ए बी ओ, तो दोनों के दोनों ए और बी दोनों के दोनों यूनिडेंटेड होने चाहिए, ये तो बाइडेंटेड वाला है, और ये देखो ना ए आपके दो लोन पेड़ देगा ना, तो ये बाइडेंटेड वाला है, तो अगर ये बाइडेंटेड वाला तो इसको नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्टिकली एक्टिव, कितने हो जाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव, तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए बच्चों देखो, यहाँ पर टोटल आपके कितने हो गए, यहाँ पर टोटल आपके हो गए बच्चों ऑप्टिकली इनएक्टिव, यहाँ पर टोटल ऑप्टिकल आइसोमर भी हो गए दो, लेकिन स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे, एक ये और इसके दो, कितने हो गए टोटल तीन। आप समझ में आ गया आप लोगों को, ये तो था बाइडेंटेड के केस में, एक और बाइडेंटेड के केस में हम लोग कर लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल की कमी नहीं है, एग्जाम्पल की कमी नहीं है, इस बात को ध्यान रखो आप लोग। देखो एक और कर लेते हैं, इससे ज्यादा एडवांस लेवल पे आपसे नहीं पूछने वाला, एम ए ए बी टू सी डी, एम ए ए बी टू सी डी, अब देखो क्या करेंगे बच्चों, इसका बात को ध्यान से समझना, एम ए ए बी टू सी डी, तो यहां पर एम लिख दिया, यहां पर एम लिख दिया, और एक ए, एक ए ये बाइडेंटेड वाला है, ये ए से जुड़ा हुआ है, ठीक है, बी बी सी डी, सबसे पहले जो कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, बाइडेंटेड के ए से एक बार बी जुड़ा होगा, एक बार बाइडेंटेड के ए के सामने बी जुड़ा होगा, ये कॉम्बिनेशन बन गया, एक बार क्या जुड़ा होगा सी डी, ठीक है, ये पहला कॉम्बिनेशन बन गया। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, दूसरा कॉम्बिनेशन समझना, एक बार आपके दोनों बी ऊपर चले जाए,
ठीक है, तो एक बार ए के साथ सी जुड़ाओ, एक बार कैपिटल ए के साथ आपका डी जुड़ाओ, एक बार दोनों बी से हो, एक कॉम्बिनेशन कौन सा बनेगा बच्चों? एक बार ए के साथ सी जुड़ाओ और एक बार ए के साथ सी जुड़ाओ और एक बार ए के साथ बी जुड़ाओ, तो बचा क्या? एक बार ए के साथ सी जुड़ाओ, एक बार ए के साथ सी जुड़ाओ, एक बार ए के साथ बी जुड़ाओ, तो बचा क्या? सी और बी तो काम में आ गए, सी और बी तो काम में आ गए, बचा क्या? बी डी। और एक बार क्या होगा? एक बार ए के साथ डी जुड़ाओ, एक बार ए के साथ डी जुड़ाओ और एक बार ए के साथ बी जुड़ाओ, और बचेगा क्या? सी बी। ये आपके बन गए, ये आपके टोटल बन गए। अब देखो इसमें से टोटल नंबर निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ, ये मैंने चार कॉम्बिनेशन बनाए। अब इसमें बताओ, इसमें आप लोगों को बताना है कि इसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा वाला है, इसमें आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा वाला है वो आपको बताना है, ठीक है? 1 2 3 ए बी ए डी सी बी, ऑप्टिकली इनएक्टिव और ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा वाला है वो आपको बताना है, ठीक है? तो देख लेते हैं यहाँ पर, देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा वाला होगा। देखो ये वाला हो जाएगा आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, ये वाला हो जाएगा आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव, और यहाँ पर ए बी ए बी, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव। देखो एक बार कोशिश करो बच्चों, आप लोग ट्राई देख लेते हैं एक बार, ये आपका ए ए ए वाला, ठीक है, ए ए वाला हो गया ये, तो एक्स टू एक बार आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 2 मिनट बच्चों देख लेते हैं, दे 2 मिनट, 2 मिनट प्रैक्टिस कर लेते हैं, देख लेते हैं। एम ए ए बी टू एक्स टू, ठीक है, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर ए बी टू सी डी, ए बी टू सी डी मतलब सिमिलर वाला है ना, ए बी टू सी डी, तो यहाँ पर आपका एक और आना चाहिए, एक और आना चाहिए, ये ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव, दो दो दो, तो यहाँ पर ऑप्टिकली एक कॉम्बिनेशन रिपीट तो नहीं हो रहा, ए बी ए सी, ठीक है, सही है, ए बी ए बी, ए बी ए बी सी डी, तो इसके कितने हो जाएंगे बच्चों इसके? हाँ, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ये तीनों की क्या हो जाएंगे बच्चों आपके? ये तीन, ये और ये हो जाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव। तो टोटल कितने जी आई हो गए बच्चों इसके? टोटल जी आई कितने हो गए? टोटल जी आई हो गए 4, ऑप्टिकल आइसोमर हो गए 2, और स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए? एक 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 दो, नहीं, टोटल टोटल ओ आई हो गए 6, और ऑप्टिक स्टीरियो आइसोमर 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं, काफी इजी तरीका है, काफी सिंपल तरीका है, एक दो बार करोगे तो आप लोगों को आ भी जाएगा, एक दो बार करोगे तो आप लोगों को आ भी जाएगा। यहाँ पर बी डी बी सी एक और हो सकता है ना, एक और हो सकता है, जब आपका ए सामने नहीं बन सकता, ए आपके सामने नहीं बन सकता, ठीक है, ए आपके सामने नहीं बन सकता, इसके 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे बच्चों, इसके 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसके 7 आएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही, हाँ, एम ए बी थ्री, एम ए बी थ्री, तो क्या बनेगा एम ए बी थ्री का देख लेते हैं क्वेश्चन, एम ए बी थ्री। अब ए बी थ्री किस टाइप का लिगेंट है? ए बी आपका अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंट है, कैसा है? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंट। अब अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंट है तो कैसे हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर देखो एम ए बी, ठीक है, एम ए बी, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंट कुछ ऐसा हो जाएगा, मैंने बना दिया, चलो सिंपल मैंने बना दिया ऐसे ही,
ये यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। मैं ए बी, ए बी क्यों लिखता हूँ, क्योंकि मुझे सेंटर पता पड़ते जाए, ये बी ठीक है, ऐसा कुछ होगा। अब देख लेते हैं कैसे बनेंगे। कॉम्बिनेशन बनाओ सबसे पहले, कॉम्बिनेशन बनाओ। एक बार क्या होगा, ए बी ए बी अपोजिट आएगा, एक बार ए बी ए बी ए बी ए बी अपोजिट आएगा, और एक बार क्या होगा, ए ए एक साथ आ जाएगा, एक बार बी बी एक साथ आ जाएगा, और एक बार ए बी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ गया, इस तरीके से आ गया। अब लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बोला था ब्रैकेट में दोनों यूनिडेंटेड वाले हो तभी आपका जी आई शो, तभी आपका ओ आई वाला होगा, लेकिन ये तो दोनों के दोनों बाइडेंटेड है ना। तो यहाँ पर दोनों के दोनों बाइडेंटेड है, दोनों के दोनों आपके क्या है बच्चों, यहाँ पर बाइडेंटेड, दोनों के दोनों यहाँ पर क्या है बच्चों, बाइडेंटेड है। और एक बात ध्यान रखना कि इस टाइप का, इस टाइप का आपका कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ जी आई, जी आई हो गए दो, और ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। भाई बेटा स्मॉल वाला मतलब यूनिडेंटेड वाला होना चाहिए, बाइडेंटेड नहीं, ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो गए, ओ आई हो गए चार, और टोटल स्टीरियो आइसोमर भी कितने हो गए बच्चों इसके, चार। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं किसी का भी, किसी का भी हम लोग निकाल सकते हैं इसमें। ठीक है, अगला मैं बता देता हूँ यहाँ पर ए बी टू सी टू, अगला ए बी टू सी टू का भी देख लेते लास्ट, फिर यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा सारे एग्जाम्पल, फिर हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे एडवांस लेवल के, वो एडवांस में आए हुए वो भी काफी इजीली चले जाएंगे हमारे। एम ए बी टू सी टू, देखो इसका कैसे करेंगे, ये हो गया एम ए बी वाला एक साथ, एम ए बी वाला एक साथ, ठीक है, और यहाँ पर सी सी। तो पहला कॉम्बिनेशन बनाओ ए बी ए बी ए बी ए बी, मैं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कर रहा, ये ए बी ए बी मतलब ऐसे आज लाइन वाला चेक कर रहा हूँ, ए बी सी सी, ये सी सी स्मॉल वाला है, तो यूनिडेंटेड वाला सिमिलर आ जाए तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगला कॉम्बिनेशन, अगला कॉम्बिनेशन क्यों ना मैं इसको घुमा दूँ, इसको घुमा दूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक बार मेरे पास ए ए आ जाए एक साथ बी बी आ जाए, और क्या आ जाए सी सी, ये एक अगला कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और इसके बाद अगला कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, अगला कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, मेरे पास ए के साथ एक सी आ जाए, ए सी ए के साथ एक सी आ जाए, और एक सी मेरा बी के साथ आ जाए, बी के साथ एक सी आ जाए, और एक क्या बचा है ए बी। अगला कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा बच्चों, अगला कॉम्बिनेशन मेरा हो जाएगा ए के साथ एक सी आ गया, ए के साथ, अब एक बार ए के साथ सी आ जाए, ए के साथ हमारा सी आ जाए, ए के साथ हमारा सी आ जाए, और बी के साथ क्या हो जाए, बी के साथ ए बी आ जाए, और एक बार यहाँ पर बी के साथ ए बी आ जाए, और बी के साथ ए बी आ जाए, एक बार ए के साथ सी आ गया, और ए के साथ ए बी आ गया, और एक बार सी के साथ बी, फिर तो वही रिपीट आपका हो जाएगा अपने आप, एक बार ए के साथ सी आ जाए, और बी भी एक साथ आ जाए, बी भी एक साथ आ जाए, और दोनों ए सी ए सी एक साथ आ जाए। एक बार क्या होगा बच्चों यहाँ पर, एक बार बी सी बी सी एक साथ आ जाए, एक बार आपका बी बी आ जाए, एक बार आपका ए ए आ जाए, और एक बार आपका क्या आ जाए बेटा बी सी। तो इस टाइप के आपके बनेंगे टोटल, आप इसको समझ गए होंगे, यहाँ पर टोटल बन गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल कितने बने बच्चों, यहाँ पर, यहाँ पर आपके टोटल कितने बने चेक करिए बच्चों आप लोग, यहाँ पर आपके इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन है, एक बार आप लोग ट्राई मारिए, एक बार आप लोग ट्राई मारिए और कोई कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर एक और कॉम्बिनेशन होगा, दे देखिए, बस इतने कॉम्बिनेशन है, ये आपका क्या हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव, बिल्कुल करेक्ट है बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन, अब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए, ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव, तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे बच्चों ऑप्टिकली एक्टिव, बाइडेंटेड में वो रूल नहीं लगाएंगे, बाइडेंटेड में वो रूल नहीं लगाएंगे, ठीक है, ये तीनों के तीनों ऑप्टिकली एक्टिव। तो टोटल नंबर ऑफ जी आई हो गए पाँच, टोटल नंबर ऑफ ओ आई हो गए यहाँ पर कितने छः, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर काउंट करो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ, ये आपका है आंसर। तो यहाँ पर इनेंशियोमर पेयर क्या बोलेंगे,
इनेंशियोमर पेयर कितने हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर आपके, तीन हो जाएंगे। यहाँ पर कितने इनेंशियोमर पेयर आपके हो जाएंगे बच्चों, तीन। तो अब आपको समझ में आ गया है, बात क्या समझ में आई, ए ए वाला होगा, ए वाला हो जाए या ए बी वाला हो जाए, तो उसमें क्या होगा बच्चों, वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, लेकिन बट कंडीशन क्या है, यूनिडेंटेड। और आपका यूनिडेंटेड ना होके अगर आपका सिंपल ही हो जाए, यूनिडेंटेड ना होके आपका क्या हो जाए, मतलब बाइडेंटेड रहे, तो वो अपने आप ही ऑप्टिकली एक्टिव की कैटेगरी में डालोगे आप लोग, कि कौन सी कैटेगरी में डालोगे, ऑप्टिकली एक्टिव की कैटेगरी में। तो ये सारे क्वेश्चन आप एक दो बार करने की कोशिश करो, इतना कर लोगे मोर देन सफिशियंट है, इससे ज़्यादा आपसे कोई एडवांस में भी नहीं पूछेगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ क्या है, अब आपको फिर समझ में आ जाएगा इसका यूज़ क्या है। और एक लास्ट एग्जांपल जो मैंने बताया था स्टार्ट में, उसको ध्यान रख लेना है, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर, सेलेक्ट द कॉम्प्लेक्स, सेलेक्ट द कंपाउंड क्वेश्चन, सेलेक्ट द कंपाउंड, सेलेक्ट द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जी जी में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों ये, सेलेक्ट द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सेलेक्ट द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच शो, विच शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, विच शो ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, जो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करे एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमर शो करे। तो देखो यहाँ पर समझना बात, सी आर एच टू ओ फोर एन एच थ्री टू, यहाँ पर आपका थ्री प्लस बी आपका है जी एल जेड एन जेड एन जी एल वाई जी एल वाई ट्वाइस, ये हो जाएगा सी आपका है डी, आप यहाँ पर सी आपका है, ये आपका डी उल्टा हो गया, बी आपका है बच्चों यहाँ पर बी ऑप्शन है आपका निकल, निकल ई एन टू टू माइनस सी, सी आपका है बच्चों सी ओ बी आर सी एल ई एन टू प्लस डी आपका है जेड एन जी एल वाई टू। अब इसको समझना है हमको, अब इसको हमको अच्छे से समझना है कि इसमें कैसे होगा। अब देखो ज्योमेट्रिकल के साथ साथ आपका क्या दिखा है बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमर, तो समझना बात को, ज्योमेट्रिकल के साथ साथ क्या दिखा है, ऑप्टिकल। तो बेटा स्क्वायर प्लेनर ओनली आपका क्या दिखाता है, स्क्वायर प्लेनर आपका ज्योमेट्रिकल दिखाता है, स्क्वायर प्लेनर ओनली आपका क्या दिखाता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। टेट्राहेड्रल क्या दिखाता है, टेट्राहेड्रल केवल और केवल आपका ऑप्टिकल दिखाता है, टेट्राहेड्रल केवल और केवल क्या दिखाता है, ऑप्टिकल आइसोमर। और आपका ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर के साथ साथ ऑप्टिकल भी दिखाता है, अभी अभी हमने एग्जांपल बहुत सारे किए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के साथ साथ आपका ऑप्टिकल आइसोमर भी दिखाता है, ये चीज़ें ध्यान रखो, ऑप्टिकल आइसोमर भी दिखाता है, बात क्लियर है, ये ऐसे ही करना है आपको, इस चीज़ को अच्छे से समझो आप लोग, कोशिश करो आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर कैसे करेंगे इस चीज़ को हम लोग भी, देख लेते, देखो ये आपका कौन सा है, इसको एम माना, एम ए फोर बी टू, अब इसका कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, बना लो ए ए ए ए बी बी, अगला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा बच्चों, ए बी ए बी ए ए, और इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, तो जी आई तो दिखाएगा, जी आई दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को चमक गया होगा कि ये आपका कैसा हो गया बच्चों, तो देखो ये आपका किस टाइप का हो गया, देखो यहाँ पर, यहाँ पर ए ए ए ए टाइप का हो गया, तो ओ आई आपका नहीं दिखाएगा, तो ये आंसर तो नहीं होगा क्योंकि जी आई भी नहीं है ऑप्टिकल। अब ये आपका क्या है, ये आपका एक टाइप का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट के साथ साथ आपका क्या है बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर आपका चार है, तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स। तो स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स तो ऑलरेडी आपका क्या नहीं दिखाता, ऑलरेडी आपको ज्योमेट्रिकल दिखाता है, केवल और केवल ज्योमेट्रिकल दिखाता है, ऑप्टिकल तो दिखाता नहीं है, हमको दोनों वाले चाहिए, हमको दोनों वाले चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब इसको देख लेते, ये आपका किसकी तरह दिख रहा है,
ये जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, ये जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो ये वाला आपको किसकी तरह दिख रहा है, एम ए बी, और ये बाइडेंटेड है, बाइडेंटेड को ए ए के टर्म में लिखते हैं, ऐसे लिख दिया, ठीक है, बाइडेंटेड को मैंने ए ए के टर्म में लिख दिया, ठीक है। प्लस अब इसका कॉम्बिनेशन में यहाँ बना देता हूँ, इसका कॉम्बिनेशन में यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, कॉम्बिनेशन बना लेता हूँ, देख लेते हैं। एक बार मैंने ए ए को एक साथ रख दिया, फिर मैंने ये क्या रख दिया, ए ए को एक साथ रख दिया, फिर मैंने ए ए को भी एक साथ रख दिया, फिर मैंने ए बी कर दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पर ए ए को, ए ए को एक साथ रख दिया, ए बी को एक साथ रख दिया, ए बी ए ए को एक साथ रख दिया, फिर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ए ए एक साथ हो गया, ठीक है। इसके अलावा कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा बच्चों, ट्राई मारो, इसके अलावा कौन सा कॉम्बिनेशन बनने वाला है, देखो इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन आपका बनने के चांसेस तो लग रहे हैं मुझे। एक मैंने कर दिया ए ए, एक मेरा हो गया ए ए, हाँ इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा आपका। अब दोनों कॉम्बिनेशन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं बच्चों, सी ओ ए ए एक साथ, यहाँ पर ए ए एक साथ, और यहाँ पर ए बी, ठीक है, ये हो गया आपका एक। और एक कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा बच्चों, देखो सी ओ, सी ओ ए के साथ स्मॉल ए, और ए के साथ बी, ये आपका ए, ये आपका ए, देखो ये हो गया दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ पर आप लोगों को बातों को समझना है कि यहाँ पर, यहाँ पर ये आपका, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, अगर इस प्लेन को ऐसे काटेंगे, देखो ए बी आ गया ना, ए बी आ गया ना आपका, ए बी टाइप का आ गया, तो ये आपका कभी भी आपका क्या नहीं दिखाएगा बच्चों, आपका ये आपका कभी भी आपका, ये अगर मैंने ऐसे काटा तो सिमिलर हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऐसा एग्जांपल मैंने कराया अभी अभी, ये आपका हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ से पी ओ एस चला जाएगा, या आप स्ट्रक्चर बना लेना ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये यहाँ पर कितने आ जाएंगे बच्चों, दो तीन, इसका टोटल देखो ऑप्टिकल आइसोमर भी यहाँ पर, जी जी आई आपके दो है, ओ आई आपके दो है, स्टीरियो आपके तीन है, तो यहाँ पर आपका दोनों शो करेगा। अब ये आपका क्या है बच्चों, या आपका बाइडेंटेड है, बाइडेंटेड है पहली बात तो, बात ठीक है, और ये स्क्वायर प्लेनर है, और ये स्क्वायर प्लेनर है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से, तो ये केवल और केवल क्या दिखाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये केवल और केवल क्या दिखाएगा आपका, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बच्चों इसमें से, आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो ये भी नहीं होगा आंसर, आंसर होगा आपका कौन सा, सी आंसर इज करेक्ट आंसर, सी आंसर इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब हम और भी क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर, और भी क्वेश्चन कौन कौन से समझ लेते हैं, और अब कोई सा भी क्वेश्चन मिल जाए हम लोग अब सॉल्व करने लायक है, किसी भी टाइप के क्वेश्चन को, किसी भी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, देख लेते हैं। ये जेई में पूछा गया क्वेश्चन था, बड़े आसानी से हमने सॉल्व कर लिया, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन, विच कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑप्टिकल एक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, इसमें से कौन सा आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा वो आपको बताना है, इसमें से कौन सा आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, समझना है बात को ध्यान से। वो जो लास्ट वाला रहता है उसका एक कंडीशन ध्यान रखो, आप लोग प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही आएगा ये आपका। अगला देखो ए कौन सा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर सी ओ ई एन थ्री, थ्री प्लस। बी आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर सी आर ओ एक्स थ्री, थ्री माइनस। सी आपका कौन सा है बच्चों, यहाँ पर सीस
CO Cl2 En2 plus, ठीक है। और अगला कौन सा है, डी आपका ट्रांस, ट्रांस CO Cl2 En2, यहाँ पर हो जाएगा प्लस। अब आपको बताना है कि कौन सा आपका इसमें से ऑप्टिकल एक्टिव है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा बच्चों, देखो CO, ये आपका वो En3 बनाना है, तो ये आपका En, दोनों NN सेंटर होंगे, सारे के सारे कौन से सेंटर होंगे बच्चों, इसमें NN सेंटर होंगे, सारे के सारे NN सेंटर होंगे। देखो अब यहाँ पर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं कटेगी, मैंने बताया था एक एग्जांपल, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्टिकली एक्टिव, जैसा लिखा है वैसा याद रखो बस, आप लोगों को दुनिया कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा En, देखो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, ये मिरर इमेज नहीं है, तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, एक्टिव ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको हटा देता हूँ मैं, अगला देख लेते हैं OX वाला। OX वाला भी क्या होगा, ये OX और EN सिमिलर ही होते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, दोनों सिमेट्रिकल बाइडेंटेड है ना, ये भी आपका MAA3 टाइप का, ये भी आपका MAA3 टाइप का, दोनों एक ही दिया था, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। अब यहाँ पर सिस वाला बोला है, तो सिस वाला कैसे बनेगा बच्चों, ध्यान से समझना, सिस वाला आपका कैसे बनेगा, यहाँ पर सिस में आपका दोनों के बीच आपका डिस्टेंस, दोनों सिमिलर एटम के बीच आपका डिस्टेंस क्या होना चाहिए बेटा, कम होना चाहिए, दोनों सिमिलर एटम के बीच आपका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो देख लेते हैं यहाँ पर, इसको मैंने मान लिया वो En, देखो यहाँ पर ये वाला सिस वाला आपका ऐसा हो जाएगा, ये मैंने En, यहाँ से CO, ये आपका En, ये आपका CL, ये आपका CL, वो En का एक सेंटर N ही होता है, En का सेंटर क्या होता है, N होता है, ये बात आप लोग जानते हो, En का NH2 वाला सेंटर ही आपको देगा। अब देखो यहाँ पर NN हो गया, ठीक है, एक कौन सा हो जाएगा NCL, एक कौन सा हो जाएगा NCL, तो ये वाला तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला कौन सा बनेगा बच्चों आपका, एक बनेगा NN, मतलब NN सेंटर, मतलब नाइट्रोजन एटम लिया यहाँ पर, ए भी इसको ना ए के टाइप भी आप लोग ना ट्रीट कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी ट्रीट कर सकते हो, MA2 MB2 AA, मतलब सिमिलर बाइडेंटिटी लिगेंड, ठीक है, ये आपका सिस फॉर्म है, ये आपका इसका कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म। तो ये बात ध्यान रहे कि जनरली आपका सिस फॉर्म हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, सिस हमेशा क्या होता है बच्चों आपका ऑप्टिकली एक्टिव, इस बात को ध्यान रखो, सिस हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ट्रांस कभी भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। इसका इसी का आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ये, तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन सा वाला है, ये वाला बोल रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पर En, ये आपका En, यहाँ CL, यहाँ CL, अब देखो NN सेंटर डिस्टेंस पे है, इसको NN सेंटर बोल दो, देखो इसका क्या बनाता है, NN NCL और NCL ऐसा बनाता है, इसका एक कॉम्बिनेशन, इसका दूसरा ही कॉम्बिनेशन ये होगा, कौन सा NN NN, अब देखो सिमिलर एक साथ आ गए, मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये वाला आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो ये वाला आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो आपसे क्या पूछा है कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो ये वाला आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव ये वाला होगा, और बाकी तीनों आपके क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, देखो क्वेश्चन को तरीका समझो डील करने का, ठीक है, डील करने का तरीका समझो आप लोग, आप लोगों को सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, काफ़ी इजी और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग करोगे तो आपको क्यों नहीं आएंगे बेटा, हर किसी को हर तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करना आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर इसी टाइप का क्वेश्चन आता है बच्चों, और इससे ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन भी इसके नहीं है बेटा, इससे ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन भी इसके नहीं होते, ठीक है, तो आप लोग अगर इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को अब सब टाइप के क्वेश्चन आने लग जाएंगे, ठीक है, इसको आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस कर लो
ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लो। और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर इनेंशियोमर आइडेंटिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर, अब देखो आप लोगों को खुद ही प्रैक्टिस करना है बेटा, मैं 50 स्ट्रक्चर भी बना दूंगा फिर भी आप लोगों को खुद ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है, इस चीज़ का। तो आप लोगों को लॉजिकल बातें तो लॉजिकल में आप लोगों को ही थिंक करना है। मैंने आपको थिंक करने का तरीका बता दिया, दोनों तरीके बता दिए, आपको जैसे करना है वैसे कर लीजिए, ठीक है। फॉलोइंग अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विच आर इनेंशियोमर आइडेंटिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब यहाँ पर बोला है, मैं चार स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये आपका सी एल, ये ई एन है, ई एन को मैं क्या करूँगा बाद में बताता हूँ आप लोगों को, नहीं तो आप लोग अभी से ही कर लोगे। ये फर्स्ट सी एल, यह आपका ई एन, यह आपका ई एन, ठीक है। सेकंड यह आपका क्या हो जाएगा, सी ओ सी एल, यह आपका ई एन, यह आपका ई एन, सी ओ यह आपका ई एन, यह आपका ई एन, यह आपका सी एल, यह आपका सी एल, ये हो गया थर्ड और ये हो गया आपका फोर्थ, ठीक है। तो किस तरीके से इसको डिटेल करेंगे, सबसे पहले समझेंगे। अब आप समझो, दो थोड़ा सा ध्यान से समझो, ये एक्चुअली ट्रांस है, मैंने अभी भी क्वेश्चन कराया था, और ये वाला एक्चुअली क्या है बच्चों, आपका सिस है, ये वाला भी आपका सिस है, ये वाला भी आपका सिस है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड के साथ भी आपका जी आई शो करेगा, थर्ड के साथ भी आपका जी आई शो करेगा, और फोर्थ के साथ भी आपका क्या शो करेगा, जी आई शो करेगा। देखो कैसे करेगा, फर्स्ट आपका थर्ड, सेकंड थर्ड फर्स्ट के साथ आपका जी आई शो करेगा। देख लेते हैं, समझ लेते हैं किस तरीके से जी आई शो करेगा और किस तरीके से जी आई शो नहीं करेगा, ठीक है। किस तरीके से आपका जी आई शो करेगा और किस तरीके से नहीं करेगा देख लेते हैं। देखो यहाँ पर सी एल सी एल, फर्स्ट में आपका सी एल सी एल एक साथ है, ठीक है। और ई एन का कौन सा एटम डोनर एटम होता है, नाइट्रोजन एटम, ई एन का नाइट्रोजन एटम आपका डोनर एटम होता है। देखो लिगेंड का स्ट्रक्चर, तो नाइट्रोजन एटम आपके डोनर एटम होते हैं इसके, तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, एन एन एक साथ है, और यहाँ पर एन एन एक साथ है। अब सेकंड में देखो, सेकंड में क्या है, सी एल और एन, इसको एन एन कर लो, इसको एन एन कर लो ताकि आपको जल्दी जल्दी लिखने को मिल जाए, ठीक है। सी एल और एन, यहाँ पर भी आपका क्या है, सी एल और यहाँ पर आपका सी एल और एन, और यहाँ पर एन एन, देखो दो दो अलग अलग कॉम्बिनेशन बन रहे। थर्ड में देखो सी एल और एन, सी एल और एन, एन और एन, वही कॉम्बिनेशन रिपीट होंगे। ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का ऐसा ही है, तो ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, ठीक है। अब ऑप्टिकल आइसोमर कौन से होंगे, ये वाला आपका ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करेगा, ये वाला केवल और केवल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। आपको पता है ऑप्टिकल एक्टिविटी ये वाला शो करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी ये वाला क्यों नहीं शो करेगा, क्योंकि यहाँ सी एल है, तो ये वाला केवल और केवल ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करेगा। केवल और केवल कौन ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करेगा बेटा, आपका ये वाला ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। जब ये वाले आपके ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे तो इसमें कौन सा वाला आपका आपका आपस में ऑप्टिकल आइसोमर है उसको पता लगाना है। तो ये वाले आपस में ऑप्टिकल आइसोमर है, थर्ड और सेकंड और थर्ड आपका ऑप्टिकल आइसोमर है, सेकंड और थर्ड आपका क्या है बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमर है, ऑप्टिकल आइसोमर है, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर है, ठीक है। और आपका यहाँ पर थर्ड और फोर्थ आपका क्या होगा, थर्ड और फोर्थ आपका क्या होगा, और आपका सेकंड और थर्ड क्या होगा, तो आप लोग समझ सकते हो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ आपका ऑप्टिकल आइसोमर है, और आपका सेकंड और थर्ड फोर्थ के साथ क्या होगा बच्चों, आपका आइडेंटिकल वही है, लेकिन आपका इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है,
मैंने आपको बताया था डाइस्टीरियोमर, देखो जो आइडेंटिकल ना हो और जो आपके मिरर इमेज ना हो, ये दोनों मिरर इमेज है, ठीक है। अब जो ये आपका ना तो मिरर इमेज है ना तो मिरर इमेज है, बट आइडेंटिकल है, बट आइडेंटिकल है, बट जो जुड़ने वाले एटम है वो सेम है, तो ये आपका आइडेंटिकल होगा, तो ये आपके आइडेंटिकल होंगे। तो इस तरीके से के भी क्वेश्चन आ चुके हैं जेई में, जेई ने इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।